हेलो एवरी वन वेलकम टू दू देशल यूट्यूब चैनल टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग रूल ऑफ कंजंक्शन सो वेशल वी हैव टूडेज सेशन लेट्स चेक दैट पॉइंट जैसा कि अगर हम देखें तो आज का जो रूल है वो वाइल्ड एंड वेन के यूजर्स पर बेस है राइट While and when, जिसका हिंदी का अगर मीनिंग देखें तो मीनिंग ऑफ वाइल एंड वेन बोथ का एक ही मीनिंग होता है दैट इज right? जब इनके यूजेस पे हम अगर आते हैं तो वहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कब हमें वाइल का यूज करना है और कब हमें वैन का यूज करना है एज वी यूज बोथ वर्ड फॉर कंजंक्शन एज अ कंजंक्शन यू नो जस्ट टू शो टाइम तो आखिर यहां पर डिफरेंसेज में अगर देखें तो चलिए देखते हैं सबसे पहला स्टूडेंट देखो जब कभी भी आपको किसी भी स्टेटमेंट में बोथ सेंटेंसेस सेंटेंसेज आर इन कॉन्टिन्यूअस टेंसेज यानी इफ वन सेंटेंस कंटेंस टू क्लॉजेस एक सेंटेंस में दो क्लॉजेस अगर है और दोनों क्लॉज आपकी किसमें हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में मतलब पहला वाला भी कॉन्टिन्यूअस है एंड बाद वाला भी कॉन्टिन्यूअस है तो इन दैट कंडीशन स्टूडेंट यू हैव टू यूज वाइल ओवर नॉट वेन अब जैसे अगर इस सेंटेंस में हम देखें तो यहां पर सेंटेंस क्या कह रहा है कि व्हेन ही वाज ड्राइविंग द कार आई वाज टेकिंग रेस्ट इन बैक सीट इन द बैक सीट सो व्हेन ही वाज वाज ड्राइविंग ड्राइविंग द कार मींस हियर दिस पर्टिकुलर पार्ट इज गिवन गिवन इन टेंस एंड आगे वाला भी है वॉज टेकिंग रेस्ट इन द बैक सीट यानी उसकी ड्राइविंग और दूसरे पर्सन का रेस्ट लेना बैक सीट में बोथ एक साथ चल रहे थे दोनों कॉन्टिन्यूवस टेंस थे तो जब दोनों सेंटेंसेस कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो

सेकंड देखे ये सेकंड स्पेशल पॉइंट है यहां पे थ्री पॉइंट टोटल हम डिस्कस करेंगे आज इसमें आपसे सो so सेकंड जो पॉइंट है स्टूडेंट्स जब कभी भी टास्क फॉर शॉर्ट टाइम हो मतलब ऐसा कोई टास्क हो जो कुछ ही टाइम के लिए हो कुछ सेकंड्स के लिए हो तो वहां पर उसके लिए हम यूज करते हैं वेन का राइट शॉर्ट टाइम शॉर्ट टर्म टास्क जो भी टास्क शॉर्ट टर्म के लिए होता है थोड़े टाइम के लिए होता है फॉर दैट यूज वेन एंड इफ दैट टास्क इज टेकिंग लॉन्ग टाइम यानी थोड़ा सा लंबा समय ले रहा है तो उस के साथ आपको लगाना होता है वाइल बात को समझेंगे जब होगा तो वाइल लगाना है शॉर्ट टाइम होगा स्टूडेंट देन यू अगर इस सेंटेंस में हम देखें पहला सेंटेंस क्या कह रहा है स्टेशन आई मेट माई फ्रेंड When I was going to the station, मतलब जब मैं स्टेशन जा रहा था I met my friend, मैं अपने फ्रेंड से मिला तो स्टूडेंट जस्ट टैल मी वन थिंग आपके स्टेशन जाने और फ्रेंड के मिलने ये जो टास्क क्या शॉर्ट टाइम का है क्या भाई स्टेशन जाने में टाइम लगा आपको ना यानी दिस पर्टिकुलर सेंटेंस से इसकी थोड़ा सा टाइम लगा ये टाइम शॉर्ट का नहीं है ये लॉन्ग टाइम वाला है तो अगर हम देखें तो यहां पर लॉन्ग टाइम के अकॉर्डिंग इस जगह पर वे नहीं आना चाहिए स्टूडेंट इस जगह पर यू हैव टू टू यूज बिकॉज दिस दिस पर्टिकुलर पर्टिकुलर सेंटेंस या टास्क इज टेकिंग मच टाइम राइट स्टेशन जाने और वहां फ्रेंड से मिलने इस पर्टिकुलर टास्क इस पर्टिकुलर काम में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा लेकिन सेकंड स्टेटमेंट कहता है वाइन यू स्नीज कवर यूर फेस विदर्ज यू अब एक चीज यहां पर मुझे बताओ भाई स्नीजिंग अगर छीक

किसी की एज बतानी है या तो पीरियड ऑफ लाइफ इन बोथ कंडीशन आपको व्हेन यूज करना है वाइल्ड से प्रॉब्लम आपके एग्जाम्स में देखने को मिलती है राइट सो व्हेन यानी एज या पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ लाइफ सॉरी इट्स अ पीरियड ऑफ लाइफ या एज की बात हो जैसे एक एग्जांपल हमने लिया वाइल्ड ही वॉज अ चाइल्ड वाइल्ड ही वॉज अ चाइल्ड ही वॉज वेरी नॉटी राइट सो हे हम बात कर रहे हैं वाइल्ड ही वॉज अ चाइल्ड उसके यू नो पीरियड ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं एक टाइम की बात कर रहे जब वो चाइल्ड था तो दिस इज पीरियड ऑफ लाइफ जब पीरियड ऑफ लाइफ को हम डिस्क्राइब करेंगे या बात करेंगे तो स्टूडेंट इन दैट कंडीशन यू कैन नॉट यूज वाइल ओवर आपको जगह पर यूज करना होता है वाइल राइट सो आपने देखा यहां पर किस तरीके से हमने थ्री डिफरेंट यूजेस लिए यूज एंड वाइल के आई होप आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और इससे रिलेटेड जो कंफ्यूजन अभी तक थी कि कब हमें वाइल यूज करना है कब हमें वैन यूज करना है तो इस टाइप से आप इन इस वीडियो को एक दो बार और देखिएगा सो दैट आपको इससे रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन है और कुछ एक्सरसाइज आप कर लेंगे देन डेफिनेटली आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशियंट लगी होगी इफ यू लाइक द वीडियो डेंट डो ऑन द लाइक बटन डो कमेंटर्स एंड टेलर कैसा लगा आपको आज का वीडियो शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फिर मिलेगा नए धमाकेदार ट्रिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन